वीडियो बनाने का, पर अभी हमारा थोड़ा खाना पीना स्टार्ट हुआ था। हमने लिया है ट्रेन में ढोकला और ये काफी अच्छा है। कैसा लगा मम्मी टेस्ट आपको? जैसे लोग बोलते कि अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। और हमने चाय भी पी थी, वो भी काफी अच्छी थी। हम कर रहे थे ये वाली चाय की बात। जनरली हम लोग देखते हैं कि ट्रेन की चाय गंदी होती है, बट ऐसा नहीं है। वो वार्म वाटर में चाय का पैकेट डालते हैं और फिर उसे मिक्स करते हैं तो चाय ऐसी बन जाती है। उस पैकेट के अंदर ऑलरेडी आपको पाउडर मिल्क मिलता है, शुगर मिलती है और कलर जो भी होता है वो मिलता है, और ये ऐसी बन जाती है। और ये टेस्ट में काफ़ी अच्छी है। हम लोग ट्राई कर चुके हैं तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है। प्राइस रहेगा 20 रुपीज़। अगर आप दूसरी वाली लोगे तो उसका प्राइस रहता है 10 रुपीज़, बट आई थिंक ये वाली ज़्यादा बेटर है। देखो रेगिस्तान वाले पहाड़ जो हम देखते हैं वीडियो में, रियलिटी कुछ ऐसे दिखते हैं। रात का डिनर, इसमें हमने लिया है मटर पनीर, रबड़ी एंड चावल दाल एंड अचार, और एक थी आलू, सूखे आलू मटर की सब्ज़ी। और ये पूरी प्लेट आपको मिलेगी 150 की, और ये हमने लिया है अलग से 140। जोर से बोलते हैं वो तो। पानी आगे नहीं, वो भैया कैसे बोलते हैं ट्रेन में? स्टार्ट अब करके दिखा। ये देखो गाइस, मैंने नई दोस्त बनाई है छोटी सी, इसका नाम है, नाम बताओ। बाय बोल दो। बाय बोलो, हमें लाइक करो, इतनी लंबी जर्नी करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थिवेम रेलवे स्टेशन। इसके बाद अभी और भी जर्नी बाकी है, बट कर रहे हैं धीरे धीरे। सो ये जा रही है मेरी पूरी फैमिली, आपको मिलते हैं होटल रूम ढूंढने के बाद। गाइस हमने खाना खा लिया था और हमने होटल रूम में अपना लगेज वगैरह भी शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद हम आए थे शॉपिंग करने, और ये है टीटोज मार्केट के पास वाली जो शॉप्स हैं वहाँ पर हम लोग आए थे। और आप देख सकते हो कि कितना यूनिक यूनिक सामान यहाँ पर मिल रहा है। बट मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी वो ये था कि सामान तो सारा यूनिक था, बट मोस्टली शॉप्स पे सारा जो सामान था वो बिल्कुल सेम ही था। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड पे देख भी सकते हो, हम लोग ने काफ़ी सारी शॉप्स देखी और बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट सामान यहाँ पर अच्छा मिल रहा था। एंड ये आप देख सकते हो बैग्स की शॉप है, फिर यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह की शॉप है, यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत वैरायटी मिली। फिर हम लोग मार्केट में जा ही रहे थे कि हमें किसी ने बताया कि यहाँ के काजू बहुत फेमस है गोवा के। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है, वो ये कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिलावट करके दे देते हैं काजू में, तो उसका ध्यान रखना होता है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा अच्छा वुडन का सामान मिल रहा था। आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी करवा सकते हो, जैसे नेम प्लेट्स वगैरह होगी और की चेन्स होगी, तो वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पर आप ज्वेलरी देख सकते हो, इनके बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थे और ये सारी हैंडीक्राफ्टेड थी। और ये जो मम्मा ने मुझे भी दिखाया है, ये गणेश जी बना रखे हैं, गणपति जी, वो भी नारियल पे, जो सूखा हुआ नारियल होता है उस पे ये बना रखा है। और गाइज आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। सो आई शुड से दैट हमें ऐसी चीज़ें ज़रूर ज़रूर खरीदनी चाहिए, बिकॉज ब्रांडेड कपड़े और ये सब तो हर कोई खरीद लेता है, बट हैंडीक्राफ्टेड चीज़ें जिसमें हमारे इंडियन लोगों की मेहनत लगती है वो सब चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी, मतलब बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाऊँ, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट डे। और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया यहाँ की स्पेशलिटी पूरी भाजी। आप पूरी का साइज़ देख सकते हो, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो इनको भटूरे बोलते हैं, बट ये लोग साइज़ थोड़ा बड़ा बनाते हैं और इसको पूरी बोलते हैं। और ये हमारी सब्जी है, इसको पूरी भाजी भाजी बोलते हैं। इसमें आलू मटर की सब्जी रहती है बेसिकली, और साथ में होती है पूरी। यस, और ये हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है, मम्मी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा खाना था। कैसा खाना लगा ब्रो? मम्मी पीछे बोल रही है रेस्टोरेंट की फोटो ले ले। ले ली मैंने मम्मी रेस्टोरेंट की फोटो ले ली। आए हैं यहाँ पर स्कूटी रेंट करने। यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्कूटी 400 पर स्कूटी, 400 न्यू स्कूटी का, और 300 मिलेगा आपको, 300 नहीं 350 मिलेगा ओल्ड स्कूटी का। ठीक करके आ चुके हैं। टू व्हीलर्स की पार्किंग 20 रुपीज़ है। हमने अपने व्हीकल्स दूसरी साइड पे पार्क किए हैं। तो ये यहाँ से अंजना बीच की एंट्री होती है। अंजना बीच बहुत ही बड़ा है, बट हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एंटर करते ही बड़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर हम लोग पार्किंग भी कर सकते हैं 20 रुपीज़ पर व्हीकल। एंड यहाँ पर आपको ड्रेसेस, सैंडोज, टी शर्ट्स की शॉप मिल जाएंगी। अंजना बीच पे मुझे थोड़ा महंगा लगा, बट आप अगर कोई भी लोकल मार्केट पे जाते हो तो वो सस्ता है। यहाँ पर थोड़ा सा इनका प्राइस ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, जेन्युइन है, चलता है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट है,
सारा यहाँ पर जो है वो हैंडी क्राफ्टेड वर्क किया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेफ्ट साइड में पार्किंग है और राइट साइड में हमें हमने यहाँ पर खाए हैं, ये बहुत ही अच्छी स्टॉल लगी मुझे, आर्यन फूड स्टॉल। यहाँ पर से हमने खाया 30 रुपीज़ का वड़ा पाव, चाय एंड पैटीज, बहुत अच्छा था, जेन्युइन था और इस जगह के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आगे आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो सैंडोज, टी शर्ट्स छोटे बच्चों के, और यहाँ पर बैग्स अगेन, सारी लेन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हैंडी क्राफ्टेड वर्क है सारा। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउस डेकोर का भी आपको मिल जाएगा। एंड आगे जाके पूरी लाइन में ऐसे शॉप्स ही शॉप्स हैं और आप जैसा चाहो वैसा आपको मिल जाएगा। और अगर बॉयज़ आ रहे हैं तो उनके लिए शर्ट्स, कैपरीज, अगर आप चाहो तो ना आप बिना शॉपिंग करे भी यहाँ पर गोवा में आ सकते हो, क्योंकि गोवा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत जेन्युइन रेट पे मिल जाती हैं, जेन्युइन प्राइसेस पे, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। ये है कौन सा बीच था मम्मा, ये याद है कुछ आपको? बागा बीच, बागा बीच, ये है रात की बागा बीच की वाइब, आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और यहाँ पे पूरी लाइटिंग हो रही है, हो रखी है, बैठने का काफ़ी अच्छा है और उस साइड पे जो है बीच है। यहाँ पर ज़्यादातर कोकोनट के ही पेड़ हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे कोकोनट्स हैं। यहाँ पर और भी है, हाँ कुआं भी है। सो गाइस ये है हमारा थर्ड डे और हमने किया है रूम चेंज, बिकॉज वहाँ पर हमें वाईफाई की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी और यहाँ पे है, इस यहाँ पर है पूल, तो पूल की वजह से ही हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर रूम लिया है, पूल और वाईफाई। एंड ये देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर पूल है यहाँ पर, और ये रूम्स हैं, सामने भी रूम्स हैं, एंड ये हमारा पूल एरिया है। और ये रही मेरी फैमिली, क्लीन वाटर है, हर रोज़ क्लीन करते हैं नवरत्न। और खा के बताओ कैसा है? तूने तो खाया ना पहले, हम तेरे रिव्यू पे आया है ये, और अब हमने लाई है पाव भाजी, ये तो देखने में ही अच्छी लग रही है। जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट देखने, ये हमने अभी पार्क की अपनी कार। गाइज आपको फोर्ट देखने के लिए लेनी पड़ेगी पहले यहाँ से टिकट, तो अभी हम लोग ले रहे हैं टिकट, उसके बाद जाएंगे मंदर फोर्ट और वाटरफॉल देखने। फोर्ट है अगोड़ा फोर्ट, टूरिस्ट काफी हो रहे। ये है फोर्ट की एंट्री, यहाँ पर टिकट चेक होगी, सब अपनी टिकट चेक करवाना। ये है अगोड़ा फोर्ट, गोवा का फेमस। सारे गोवा अभी फोर आफ्टर है वो। अच्छा पहले ऐसा था, हूँ ऐसा हो गया। देख सकते हो बीच से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बीच का काफी अच्छा व्यू आ रहा है फोर्ट से। और ये है लाइट हाउस,